चिरंजीव, इस नाम का अर्थ है सदैव, अक्षुण, हमेशा रहने वाला, अनंत, अर्थात जिसे कभी मिटाया ना जा सके। अपने नाम के अनुरूप सरदार चिरंजीव सिंह जी हमारी स्मृति में हमेशा चिरंजीव रहेंगे। भले आज वह सशरीर हमारे बीच नहीं है, मगर उनके प्रेरणादायक विचार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सरदार जी एक कुशल संगठनकर्ता और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। सरदार चिरंजीव सिंह युवा अवस्था से ही समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। आप मात्र 18 वर्ष की आयु में 1948 के प्रतिबंध के समय सत्याग्रह करने के कारण 2 मास तक जेल में रहे। 1953 में संघ प्रचारक के रूप में आपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ किया तथा संघ और विश्व हिंदू परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन जन के मन में अमिट छाप छोड़ी। 1986 में सरदार जी ने स्वामी वामदेव और संत सत्यमित्रानंद जी के साथ मिलकर 600 संतों के साथ हरिद्वार से अमृतसर तक ऐतिहासिक संत यात्रा निकालकर सांझीवालता का संदेश दिया। पंजाब जब आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, उस समय सरदार जी ने सामाजिक समरसता स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने संघ के विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए अपनी अटूट छाप छोड़ी। उनका संपूर्ण जीवन एक योगी और साधक की तरह रहा, जिसके कारण पूरे देश में उनके प्रति सम्मान का भाव था। भले ही आज सरदार चिरंजीव सिंह जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, मगर उनके विचार, उनके कार्य और राष्ट्र के प्रति उनकी साधना सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। राष्ट्रीयता का प्रवाह और मां भारती के प्रति उनका प्रेम जीवन के अंतिम पलों तक बना रहा। उनका जज्बा अंतिम दिनों में सुनाई गई इस कविता से झलकता है। पृथ्वी की संतान भरतवन शत्रु का दान न लेगी, गौरी की संतान से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रलय, दूसरे में हम सृजन लिए फिरते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधेरे में जलते। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। स्नेहशील पुण्य आत्मा को आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा है। जी जैसे गुण निर्माण कराने को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भा।